अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ईशा वसीम इज़ हियर। आज का हमारा जो लेसन है वो है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6। हमने प्रीवियस लेसन में क्वेश्चन 5 के पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिया था, तो चलिए अब पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 कुछ इस तरह का है। x डिवाइडेड बाय x माइनस y माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y और माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब सॉल्यूशन में हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, यही करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने सॉल्यूशन में क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग क्या करेंगे, कि यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, यहाँ ये देखिए, ये एज इट इज हम लोग लिखने देंगे एक्स एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ ये भी एज इट इज रह देंगे। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला लग रहा है जो कि हमने पढ़ा हुआ भी है बहुत बार। अब हमने ये फार्मूला इतनी बार पढ़ा है कि अब आप लोग को याद हो जाना चाहिए। वो फार्मूला ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के फॉर्म में हमने यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स ए और वाई बी है। और हम इसके जब इस फार्मूले को जब हम खोलेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वन। आई होप कि ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके बाद अब हम लोग ने इन दोनों को मिला देना है। मतलब कैसे, हम लोग जैसे एलसीएम लेते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोग को समझ आई। उसके बाद अब एलसीएम कैसे हम लोग लेते हैं वो आप लोग को लेने आता होगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग ने एलसीएम लेना है कि एक्स एक्स प्लस वाई और माइनस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये मैंने एलसीएम ले लिया है और अब इसको मैं सॉल्व करूँगी और ये हम लोग एज इट इज लिखे रहने देंगे, 2xy डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। आई होप के यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग ये करेंगे कि जो है ऊपर न्यू नॉर्मेटर इसको सॉल्व करेंगे। एक्स को जब हम इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, और यहाँ माइनस वाई एक्स, यहाँ माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस और वाई का स्क्वेयर। नीचे अब यहाँ आप लोग देखें ये किस फॉर्म में है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, या फिर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, ये अब आप लोग इट इज लिख रहे देंगे एंड तक, क्योंकि इसको हमने अभी सॉल्व कर लिया है। एक ही हमारे पास डिनोमिनेटर इसमें मतलब सिंप्लीफाई हो रहा था जो कि मैंने पहले ही कर दिया है। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप के समझ आ गई होगी। उसके बाद अब ये देखें, ये एक्स वाई और ये वाई एक्स दोनों सेम ही होते हैं, बस आगे पीछे लिखा हुआ है एक्स और वाई तो दोनों में आ रहे हैं ना, लाइक टर्म्स हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस होता तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई। आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि ये इसके सेम हो जाए, इसके बराबर आ जाए। ठीक हो गया, ये देखें आप इसको इस फॉर्म में लिखे तो वो भी ठीक होगा। मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि दोनों लाइक टर्म्स बन जाए, ये दोनों सेम हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि अब ये देखें, ये दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम है, हमने सेम बना दिया है। तो सेम बनाने के बाद अब हम इसे एक दफ़ा भी लिख सकते हैं ना, अगर चेंज होंगे मतलब यहाँ कोई और वैल्यू होगी, यहाँ कोई और होगी, तब हम ये वाला स्टेप करते हैं। लेकिन यहाँ दोनों सेम है तो हम
x प्लस वाई और x माइनस वाई को एक दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ठीक है, ये मिला के हमने लिख दिया। अब यहाँ भी एक फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ये हमारे पास खोल के फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमने इसे बंद करके लिखना है। और वो कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक फार्मूला है, a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये भी मैंने प्रीवियस x4.1 के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने आप लोग को ये समझाया है फार्मूला, और ये ऊपर वाला फार्मूला, तो ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं। अब ये देखें, हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इस फॉर्म में अब इसको अब हम इस फॉर्म में भी लिखे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। ये खुल के लिखा हुआ है, ये खुला हुआ है फॉर्मूला, और ये हमने बंद करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला खुल के लिखा हुआ है, तो हमने इसे बंद करना है कैसे? इस फॉर्म में, x माइनस वाई का होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गया, अब ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ कटिंग हो रही है, ये x माइनस वाई जो है, ठीक है, ये x माइनस वाई जो है ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, कट हो रहा है, तो पीछे हमारे पास x माइनस वाई बच जाएगा और x प्लस वाई बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि x माइनस वाई 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार है, तो एक x माइनस वाई एक x माइनस वाई से कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक पीछे बच जाएगा। तो ये अब आंसर है हमारे पास, क्यों? क्योंकि ये मोर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। आप खुद देखें, x माइनस वाई और x प्लस वाई को आप मोर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और ना ही यहाँ कोई फार्मूला लग रहा है। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर था, ठीक हो गया। मैंने सारे स्टेप्स आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया पूरा पार्ट, ठीक है। अब मैं पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव कर रही हूँ। हमारे पास पार्ट नंबर 5 कुछ इस तरह का है, x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 19 माइनस एक्स प्लस टू डिवाइड बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस 18। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप में सॉल्व करने वाली होती हैं, क्यों, तो हम उसे क्वेश्चन में तो नहीं सॉल्व कर सकते ना, तो इसे हम लोग क्वेश्चन रिपीट करते हैं। x प्लस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस 18। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये थोड़ा लॉन्ग भी है, तो अगर आप लोग इसे समझें तो आप लोग को समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस 9। अब यहाँ एक फार्मूला हमने बनाना है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 9 है, 9 3 के स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 की इक्वल होता है, तो हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ प्लस टू एक्स और 3, मैं आप लोग को बताती हूँ मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, अब देखें यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने इसको फॉर्मूला बनाया है, इसको ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी का हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, हमने इसको फॉर्मूला बनाया। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज था, ये हमने एज इट इज लिख दिया। 9, अब 9 को हम 3 के स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ 3 के स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। अब 6x प्लस 2, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, प्लस 2ab, तो 2 a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 3। अब हमने देखना है कि क्या हमारे पास ये ठीक बैठ रहा है, 6x आ रहा है इसको सॉल्व करके, तो जी आ रहा है। 2 3 6 और 6 मल्टीप्लाई एक्स 6x, तो यहाँ 6x प्लस 6x भी आ जाएगा जब हम 2ab को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हमारे पास ये फार्मूला बन गया है। यहाँ देखें तो यहाँ हमने 2 बार कॉमन ले लिया और अंदर एक्स स्क्वायर 2 9 18, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया अंदर ब्रैकेट में। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे,
ये बात भी आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने प्रीवियस सारे पार्ट्स में इतनी प्रैक्टिस की हमने इसकी कि आपको देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो मैंने पहले ही बता दिया कि हमने इस चीज़ को ये वाला फार्मूला बनाया था जो कि ये है, और इसको जब हम क्लोज करके लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब एक्स हमारे पास ए था और थ्री हमारे पास बी था। यहाँ इसी तरह मूव करें तो एक्स प्लस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर। अब नाइन को थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर फिर फार्मूला बन गया है। अब इसको फिर फार्मूला में पुट करेंगे, फार्मूला बनाएंगे इसे एक्स माइनस टू। ये आप लोग एज इट इज लिखे रहने एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकता। अगर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये हमने ये लाना नहीं है, ठीक है। यहाँ एक्स, अब इसको इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस टू टू एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री। ये भी आप लोग को देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब ये फार्मूला हमने यहाँ पुट किया है, आई होप कि इसको समझाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग मिला देंगे इन दोनों को, मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, यहाँ आप लोग गौर से देखें, ये देखें यहाँ x प्लस थ्री का होल का स्क्वायर, ठीक है, और x माइनस थ्री और यहाँ टू बाइट ऐसे। अब यहाँ ये मैंने डिनोमिनेटर में क्या किया, पहले डिनोमिनेटर समझा देती हूँ फिर न्यूमरेटर समझाऊंगी, ठीक है। x प्लस थ्री होल का स्क्वायर, अब ये x प्लस थ्री दोनों कॉमन था, तो एक ही बार हमने मतलब इसी के अंदर हमने मिला दिया x प्लस थ्री होल का स्क्वायर, हमने एक ही बार लिख दिया। एक्स माइनस थ्री पीछे बच गया और टू बच गया, टू हमने पीछे करके लिख दिया ताकि हमें बीच में तंग ना करे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस टू अच्छा आप लोग ये करें कि x माइनस थ्री यहाँ लिखें, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ आप लोगों ने डायरेक्ट एक्स माइनस टू। अब ये मैंने क्या किया, ये एलसीएम लिया, जैसे हम लोग सिंपल लेते हैं कि यहाँ एक्स प्लस थ्री था तो यहाँ टू एक्स माइनस थ्री नहीं था, तो यहाँ हमने टू एक्स माइनस थ्री लिख लिया, और यहाँ माइनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू। आप लोग को आई होप कि लेने आता होगा, इसलिए मैं इसको इतनी डिटेल से नहीं समझाती, ठीक है। अब ये अब आप लोग जो ऐसे करें मल्टीप्लाई, तो टू बाई कॉमन ले लें, एक्स प्लस माइनस थ्री और एक्स माइनस टू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे इस तरह मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस थ्री मल्टीप्लाई करने आता होगा आप लोगों को, इससे मैं ये भी नहीं समझा रही थी डिटेल से, ठीक है। और नीचे आप लोग एज इट इज लिखे रहे हैं, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये बहुत आसान है, मैं खुद भी आप लोगों को बता देती हूँ। पीछे हमारे पास जो था ये हमने मैंने इसे सॉल्व किया है, एक्स एक्स को जो है अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स को माइनस एक्स टू एक्स माइनस थ्री एक्स थ्री टू दस एक्स माइनस माइनस प्लस तो सिक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स, यह मैंने सिंपल किया है, तो हमारे पास ये आ गया और ये मैंने यहाँ लिख दिया है, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अब टू को अब हम अंदर अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर हमारे पास ये सॉल्व हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये टू एक्स और माइनस थ्री ऐसे कॉमन है, मतलब लाइक टर्म्स हैं, सॉरी लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो थ्री प्लस टू फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 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 तो प्लस फाइव एक्स, ठीक है, और प्लस सिक्स, ठीक है। और यहाँ टू एक्स प्लस थ्री होल का स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, ये एंड तक एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को अब हम मोर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते,
अब टू को अगर मल्टीप्लाई करें, टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस टू सिक्स ट्वेल्व, और ये यहाँ माइनस। अब फिर इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, इसके बाद माइनस था, माइनस प्लस माइनस, माइनस फाइव एक्स, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस सिक्स। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। इस टू को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास ये आ गया, और जब इसकी ब्रैकेट खोलिए तो माइनस सब आए, तो ये अंदर के सारे साइन चेंज हो गए हैं। 2x प्लस थ्री, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ये पीछे स्टेप भी आप लोग देख लेंगे मैंने क्या किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब हम लोग ये करेंगे कि 2x स्क्वायर, अब ये सॉल्व हो रहा है। अब आप देखें इसमें कॉमन लाइक टर्म्स कौन सी हैं, लाइक टर्म्स कौन सी, तो लाइक टर्म्स को आप लोग इकट्ठे करके लिख दें, ठीक है। ये मैंने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके लिख दिया है, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, लाइक टर्म इकट्ठे करके लिख दिया, एक्स को एक्स के साथ, और सिंपल वैल्यूज को सिंपल के साथ, और ये एज इट इज। अब यहाँ मैंने क्या किया है, अब ये लाइक टर्म्स को जब हमने इकट्ठे करके लिख दिया तो प्लस माइनस करने, टू एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर करने, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस है तो 10 प्लस 5 माइनस 15 एक्स आ जाएगा, क्योंकि बिगर वैल्यू 10 थी उसका साइन माइनस था। यहाँ प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 6 प्लस 6 आ जाएगा, क्योंकि बिगर वैल्यू का साइन, बिगर वैल्यू 12 है उसका साइन प्लस है। ये मैं चीज मैंने नीचे डी नॉमिनेटर एज इट इज लिख दिया, और ये हमारे पास आंसर है। क्यों? क्योंकि न्यू नॉमिनेटर भी हमारे पास आगे मोर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मोर सॉल्व नहीं हो सकता, ना डी न्यू नॉमिनेटर ना डी नॉमिनेटर, ये सिंप्लीफाई हम कर चुके हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 था। आई होप कि आप लोग को पार्ट नंबर 5 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। हमारे पास पार्ट नंबर 6 कुछ इस तरह का है, जो कि देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन एंड पे इसका आंसर बहुत आसान और बहुत मजे का आएगा, जो कि है 0। मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है। अब इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपने एक्स 4 को देख के कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब ये थोड़ा दिमाग से सॉल्व करने वाला है, मतलब ट्रिकी टाइप है। अब यहाँ हम लोग ने क्या करना है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, वन एक्स प्लस वन और वन माइनस वन एक्स, ठीक है। यस दिस, अब मैं आप लोग को बताती हूँ यहाँ मैंने क्या किया है। यहाँ मैंने दरअसल ये किया है कि हम जब मैं आपको ये बात तो पता होगी कि जब हम दो ब्रैकेट्स को, मतलब दो फ्रैक्शंस को आपस में मिलाते हैं तो हम ऐसे एलसीएम लेते हैं, ये तो आप लोग को बात पता होगी, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब कुछ बच्चियाँ हम ये मिस्टेक करती हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि ये जो है ये कटिंग कर देते हैं यहाँ, मतलब एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो नहीं कटिंग नहीं करनी आप लोगों ने, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेप के बाद जब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग ब्रैकेट्स खोल देंगे, एक्स प्लस वन, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ माइनस के अंदर के साइन चेंज कर देगा, यहाँ नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। और एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, पीछे क्या है, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस फोर एक्स फोर माइनस वन। अच्छा, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये करेंगे, कटिंग हो जाएगी, एक्स एक्स से कट हो रहा है क्योंकि एक्स माइनस एक्स है, और वन प्लस वन पीछे बच जाएगा, तो वो किसकी इक्वल होता है, टू की इक्वल होता है। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रही, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। देखेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और यहाँ माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और
माइनस फोर एक्स फोर माइनस वन। अच्छा आप देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन है, इधर भी एक फॉर्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स फोर माइनस वन। यहाँ कैसे लग रहा है एक्स माइनस वन ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वही वाला फार्मूला लगा है, माइनस इज इक्वल टू टू, अब ये अब एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लो तो वन ही के इक्वल होता है टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस फोर एक्स फोर माइनस वन। उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, अब दोनों को मिला देंगे जैसे हम लोग मिलाते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक हो गया, माइनस फोर एक्स फोर माइनस वन। उसके बाद अब हम लोग ये करेंगे कि मल्टीप्लाई करें टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। मैं इसलिए इतना नई डिटेल से समझा रही क्योंकि ये बहुत आसान स्टेप हैं, ये हर किसी को आते होंगे, माइनस माइनस प्लस टू अंदर टू। अब ये जो है ये इसे कैंसिल हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, अब ये जो है ये एक्स फोर माइनस वन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो किसके इक्वल होता है एक्स की पावर फोर वन मतलब वन, तो यहाँ वन आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पीछे क्या बच गया, टू प्लस टू डिवाइड बाई एक्स फोर माइनस वन माइनस फोर एक्स फोर माइनस वन, टू प्लस टू फोर फोर एक्स फोर माइनस वन और माइनस फोर एक्स फोर माइनस वन। अब ये जो है ये पूरा इससे कैंसिल हो रहा है। आप चाहें तो ये स्टेप भी कर सकते हैं कि पहले आप लोग मिला लें एक ही बार लिख लें, ठीक है, लेकिन ये स्टेप आप लोग ने नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ देखें ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, फोर डिवाइड बाई एक्स फोर माइनस वन माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स फोर माइनस वन ज़ीरो आ गया आंसर हमारे पास, वन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये नहीं है कि फोर अगर यहाँ बीच में डिवाइड होता तो फिर हम डिवाइड या फिर कुछ और होता माइनस ना होता तो हम लोग वन लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसको जब इससे माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा हमारे पास आंसर, तो ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो आंसर है। आई होप कि ये वाला पार्ट भी आप लोग को समझ आ गया होगा। मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर एक्स ए 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स करा दिए हैं, पार्ट 1, 2, 3 प्रीवियस लेसन में है और पार्ट 4, 5, 4, 6 मैंने आज आप लोग को करा दिए हैं। ठीक हो गया, आई होप कि आप लोग को सारे पार्ट समझ आ गए होंगे क्योंकि बहुत आसान पार्ट्स मैंने आप लोग को स्टेप बाई स्टेप समझाए हैं और फार्मूलाज भी साथ बताए हैं कि कौन कौन से लगेंगे, तो फिर आप लोग के लिए ये आसान हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सएफ 4.1 का क्वेश्चन 5 था, तो हम फिर अब नेक्स्ट लेसन में एक्सएफ 4.1 का क्वेश्चन 6 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।